भैया अरुण फेरनियों कहे रामपाल तो निंदा करे, किताब तो आपकी पढ़ूं और निंदा मैं करूं, आप जी की पुस्तक पढ़ के सुनाऊं, आपका तो प्रचार कर रहा हूं मैं, तुमने तो खुशी मनानी चाहिए एक संत है जो हमारी पुस्तक पढ़ के सुना तो रहा सार्वजनिक कर रहा है, अरे ये मेरे कहानी सींग पिना क्यों क्यों दिखाओ है, बंद करवा जो बंद करवा तेरा गजब वही है, फिर न बेचो क्यों हो तुम, डट जाओ थोड़े दिन, कितने दिन करोगे फंड, ईब तो इन गेलों वाह बन रही है कि को पंडित जी काशी पटकाया था और उस नगरी के राजा ने किसी ने बता रखा है तू धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ यज्ञ करा ले, पाठ करवा किसी के जप करवा ले, जप कोई पाठ करा ब्राह्मणा थे, सात ब्राह्मण बुलाने थे। अब मंत्री जी को पता लग गया विद्वान पुरुष है, राजा का काम है को अच्छे छांट छांट के ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे, एक तो वो बुला लिया जो विद्वान पुरुष था, तो रोजाना एक सोने की मोहर दान करे, जो सोने की मोहर प्रथम दान की उस काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए ब्राह्मण को उसने अपनी पत्नी को दिया, उसकी पत्नी फिर नए नए सूट लियाई कित बढ़िया श्रृंगार लियाई, दो तीन दिन हो गए तो पहले पानी के कुओं के ऊपर इकट्ठी हुआ करती गांव की स्त्रियां, तो नए नए पैर के चल रही तो वो दूसरी ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणों का अलग कुएं हुआ करते कि तू इतना पैसा कहाँ से लाओ हो तुम कि मेरा पति जो है ना राजा के वहाँ पाठ करने जाया करे, रोजाना एक असर पी देता राजा। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे उसका पति राजा के यहाँ पाठ करने जाता है, अन्यों सुना उड़े सात ब्राह्मणा की जरूरत है, अभी तक एक ही पाया है, आप भी चले जाओ। अब वो कहने लगा भगवान मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो काम चलाऊ लोग बकानिया हूँ, और वो पढ़ा एजुकेटेड आदमी है शिक्षित है, मेरी उड़ा दाल ना गड़े, तो अब ब्राह्मणी मरोड़ी खागी ने बोली तू तो टाइम पाया कर नहीं कराया करे है, तने कुछ करना सह को नहीं, उन्हें सोची देखी जाएगी रोज लड़ाई होगी इस अच्छा तो वहीं देख लूँ कि मैं, वो ले गया अपना दे गया काख में पोथी चल पड़ा, मंत्री जी से कहा जी मैं अभी ब्राह्मण हूँ, कहा जा भाई मैंने तो जरूरत थी बहुत अच्छा हो गया। मंत्री जी ने सोचा टोटल सात पूरे करने हो जाएंगे, राजा नाराज ना होगा, बैठा जग बैठ जा पंडित जी। अब वो पहले वाला तो संस्कृत पढ़ रहा है अपने पाठ करे और वो नो करे जो यू के वाह सही जो यू के वाह सही, तो दोनों ने सामने एक एक असरफी मिल गई। अब तीसरी का और ऐसे ही तीसरी को के को पता लगा, उसने अपना पति सिंगार दिया कि तू भी जा ब्राह्मण है वो भी जा बैठा, उसने पहले वाला तो बोला ठीक, दूसरा ने कहा जो यू के वाह सही दो यू के वाह सही, और तीसरा ने कहा कब तक निभाएगी कब तक निभाएगी, ऐसे ही फिर एक चौथी ने और सिंगार दिया अपना वो भी बैठ गया, तो वो पहला अपना पढ़ता संस्कृत, दूसरा कहता है जो यू कह वाह सही दो यू कह वाह सही, तीसरा नौका कब तक निभाएगी, चौथा नौका निम बन गया जब तक निभाएगी। अब इन पंथा होने गए न्यो बन रही है, अब इन सब ने पता लग गया थरी खाल उतरन लग रही है और तुम्हारे चेले ही भागने वाले हैं थोड़े दिन में, और उनके जो बना रखे ना परिचर, अब उनको पता लग लिया कि भाई बात तो बिगड़ेगी, पर न्यू सोचे हैं देखी जाएगी इतने निम्बन दे जब तक निम्बेगी। तो अब ये तो आपने पढ़ा उस रामदास स्वामी पंथ के प्रवर्तक के विचार हैं कि तो शरण पैर, जैसे किसी ने जीवन में ना कार देखी हो ना पेट्रोल देखा हो ना ड्राइवर देखा हो ना सड़क ना शहर देखा हो, और उसने कित सुन ली हो कि वो जंगली व्यक्ति की तो जंगल में बैठा अपने उन भोले व्यक्तियों पर प्रभु पा कर मैं शहर देख कर आता हूँ शहर में कार में घूमता हूँ। अब यो सतलोक सतनाम सारनाम सारसबद और सचखंड ये कबीर परमेश्वर की वाणी में इन पढ़ते लिया, पर इनके नाम गलत थे, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं,
तो ये प्रभु न्यो पा करे कि हम सतखंड में भूमिका आते हैं, हमारी सूरत ऊपर बहुत दूर पहुंच जाती है। और उससे पूछा फिर सार शब्द के है, सत शब्द के है। अब जैसे कोई जंगली व्यक्ति वैसे कह रहा हो, मैं सैर सपट्टे करके आता हूँ कार में, उसे कोई पूछे कार किसे कहते हैं, वो क्या उत्तर दे, पेट्रोल किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, वो यूँ कहे कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार ही है, शहर भी कार है, ड्राइवर भी कार है और उसका सर भी कार है बेटी के बाप का। तो ऐसी व्याख्या इस शिवदयाल जी की है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदा का भी वही गुरु, और आगरा से एक यो जय गुरुदेव वाला न्यारा बीज, उसका भी वो एक गुरु, यानी वहीं से उस वो इनका सबका गुरु, उस गुरु का ये ज्ञान, यानी एक के साथ दे सब सद है, एक के ज्ञान को समझ लेने से सबका पता लग जाएगा औरों की क्या दुर्गति होगी। अब दिखाते हैं, ये तो आपने देखा ब्यास से, अब देखिए आगरा से छपी हुई सार्वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। राधा स्वामी दयाल की दया, दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान ने मुबारक से फरमाया और जो भाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। ये प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा, ये इनके फोन नंबर हैं, पता कर लियो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, उपदेश खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये प्रथम वचन, ये दूसरा वचन, ये वही के वही है, कति ननी अक्षर की मात्रा का फर्क रखा। दफा एक ये है मुकाम सतनाम और राधा स्वामी कहा, सिर्फ काम इतना ही वो, और तीन नंबर वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर एक हरेक मजमू है, ये वही जो का तू ज्ञान है, ज्यादा ना पढ़कर अपना काम देखेंगे। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम तक पर पहुंचे, यहाँ पर सतनाम को मंजिल स्थान, राधा स्वामी को भी आठवीं मंजिल। अब चौथा वचन भाग एक है, ये भाग एक में प्रश्न नंबर पांच वचन नंबर चार। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है, और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम है स्थान का स्थान है, मंजिल की मंजिल है। अब सतनाम को डिफाइन किया, जिसको संतों ने सतलोक सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, एज इट इज नथिंग एल्स, बस ये भी इतना ही था। अब आपको दिखाते हैं, ये पांच नाम देते हैं और जो ये राधा स्वामी पंथ में तुलसी साहेब हाथरस वाले को बहुत महत्व देते हैं कि उनसे ही ज्ञान ग्रहण किया था, और नाम तो नहीं लिया इसने शिवदयाल जी ने, लेकिन उनके ज्ञान से ही उन्हें कहते हैं, वो उन्हीं से ज्ञान ग्रहण किया था। और राधा स्वामी जो ना तुलसी साहेब हाथरस वाले जो हैं, वो कहती है पांचों नाम काल के भाई, ये पांचों नाम काल के हैं, उससे आगे कोई और है सतनाम आदि नाम जिससे जीव का मोक्ष होगा, ये पांचों से अलग है वो मंत्र, दो अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब आपको दिखाते हैं उस पांच नाम के जाप करने से
इस शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, ये देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया। ये इनका जीवन चरित्र है, इसमें उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित, यूपी से। ये वही है राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। और यहां देखो इसके छापने वाले कौन है, ये 17वीं बार 2006 में 5000 छपे हैं, 2006 में 17वीं बार। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर है। ये हैं वो परम धनी जी, देखियो। ये हैं श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। ओह, अरे देखिए इस पूर्ण धनी का क्या हाल होया होगा। इसके प्रश्न नंबर 78 पे, और इन्होंने हर एक चीज को बड़ा अच्छी तरह सीरियवाइज कर रखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और प्रश्न नंबर 78 पे और वचन नंबर 71, इसमें सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये के दुर्गति हुई इसकी। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पिया करते। ओहो, रही खे कसर यहाँ काट दी, हुक्का भी पिया करते। रे तेरा गजब हुई हो, संत होकर ये बैल करे, फिर पार होने की बाट देखें। ये कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने को, कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अपुण आत्माओं, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये राधा स्वामी पंथ के भ्रमित बूढ़ी आत्मा क्या कहा करते हैं कि पूर्ण संत की के पहचान है। प्रथम पहचान है कि वो चरणा का हाथ निराण देता, चरण नहीं छूने देता। और दूसरी यह है कि वो पैसा नहीं, हाथ नहीं लाता। हमारा एक भक्त ने कहा कि भाई आपके जीवन चरित्र में लिखा है कि बुक्की जब उसके चरणों का अंगूठा चूसती थी और कोई माथा टेकन आते थे परम धनी के, तो उसको कह दिया जाता था कि इसने ना हटाओ, दूसरे चरण पर माथा टेक लो। वो तो माथा टेकवाया करता, और तुमने को पूर्ण संत ऐसा नहीं करवाते तो वो के था थरियाला, कोई जवाब नहीं। और फिर बात रही एक भी, तुम नो को वो पैसे घास नहीं लानता, फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तब की बिना पैसे, को जादूगिरी कर रखी तुमने। ईमान लीजिए दान पात्र में पैसे आ गए, आखिर में जाएंगे संत के पास ही जाएंगे, वो बताओगा भाई यहाँ ला दो यहाँ ला दो। अरे जब उसने हाथ में ले लिए तो के जहर से वो हाथ लानते खराब हो जाएंगे। तो बिना अकल वो बातें घुमा रखी है जो इनको खुद नहीं मालूम, तुम कह के रहे हो। और जबकि ये खुद चरण छुआया करता था,
क्योंकि वो नापा ना तरन निकट जान दे सकता कह उड़े एक दो तीन किलोमीटर तो इन दिखा वो बैठा बाबा।